मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इट इज क्लास 8, सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर 11। टुडे टॉपिक इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एज वी नो दैट द एयर सराउंडिंग अस मेक्स एटमॉस्फेयर। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे चारों ओर का वातावरण हवा एटमॉस्फेयर बनाती है। इट गिव्स अ सर्टेन प्रेशर ऑन अस। यह हमारे ऊपर कुछ प्रेशर दबाव डालती है। वी हैव रीड अबाउट द प्रेशर एक्सर्ट बाय लिक्विड। हम द्रव के द्वारा, लिक्विड के द्वारा डाला गया प्रेशर के बारे में जानते हैं। इन द सेम वे गैसेस आल्सो एक्सर्ट प्रेशर। इसी तरह गैसें भी दबाव डालती हैं। दैट्स व्हाई ए बैलून व्हेन वी ब्लो एयर इन इट एक्सपेंड्स। इसीलिए जब हम एक गुब्बारे में हवा भरते हैं तो यह फूल जाता है। बट वॉट हैपन्स इफ वी ब्लो टू मच एयर इन ए बैलून। लेकिन यदि हम हवा भरते ही रहे गुब्बारे में, अधिक हवा भरते हैं, तो तब क्या होता है? इट बर्स्ट। ये धड़ाम से फूट जाता है। दिस हैपन्स बिकॉज द मेटेरियल ऑफ द बैलून इज नॉट एबल टू विदस्टैंड द इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ एयर। ऐसा इसलिए है क्योंकि हवा का दबाव सहने के लिए बैलून का मेटेरियल पर्याप्त नहीं है, इतना सक्षम नहीं है। दिस शो दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर। इससे हमें पता लगता है कि हवा दबाव डालती है। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ एयर विच इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। हमारे चारों ओर हवा की परत पृथ्वी पर है, जिसे कि एटमॉस्फेयर कहते हैं। दिस एटमॉस्फेयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स। ये सभी चीजों पर हवा दबाव डालती है। दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। द एयर इन द एटमॉस्फेयर रीचेज अप टू हाइट ऑफ नियरली 30 किलोमीटर्स। हवा 30 किलोमीटर तक पृथ्वी से ऊपर रहती है। एक्सर्टिंग ए लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द ईच। इसलिए वहां हर जगह पर यह दबाव डालती है। द रीजन इज दैट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय आवर बॉडी इज इक्वल टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर ऑन आवर बॉडी। हमारे शरीर पर लगने वाला बल वातावरण के बल के बराबर होता है। दिस मॉडिफाइज द इफेक्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारे शरीर के अंदर वी हैव ब्लड। दिस ब्लड गिव्स ए प्रेशर आउटसाइड एंड द एयर गिव प्रेशर ऑन आवर बॉडी। दिस टू प्रेशर्स बैलेंस ईच अदर एंड दैट्स व्हाई वी डू नॉट फील द एयर प्रेशर ऑन अस। हमारे शरीर के अंदर खून बहता रहता है, उस ब्लड का भी एक प्रेशर होता है जो बाहर की तरफ इफेक्ट डालता है और एयर प्रेशर अंदर की तरफ हमारे शरीर पर इफेक्ट डालता है। दोनों बैलेंस हो जाते हैं, इसलिए हमें एयर प्रेशर का पता नहीं चलता। हाउ डज एयर प्रेशर डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड या ऊंचाई बदलने के साथ क्या प्रभाव पड़ता है? ये दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस व्हेन द चेंज इन एल्टीट्यूड। एज वी नो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट ए प्लेस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर कॉलम अबव द प्लेस। किसी स्थान पर हवा का जितना गहराई में जगह होगी,
ही ज्यादा हवा वहां होगी, क्योंकि ऊपर तो आसमान में 30 किलोमीटर तक हवा है। अगर हम ऊंचाई की जगह पर जाएंगे, पर्वतों पर जाएंगे, तो हवा का कॉलम डिक्रीज होता रहेगा जैसे जैसे हम पहाड़ की ओर चढ़ेंगे। दैट्स द रीजन द एयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आल्सो रिड्यूसेस एज वी गो टू हायर प्लेस। जब हम ऊंचाई की जगह पर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी, हवा का दबाव भी कम हो जाता है। हेंस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द प्लेस डिपेंड्स ऑन इट्स एल्टीट्यूड। इसलिए समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर ही किसी भी स्थान का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जाना जाता है। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या क्या प्रभाव है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मैक्सिमम एट सी लेवल। समुद्र के तल पर सबसे अधिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। एज वी गो टू हायर एल्टीट्यूड इट डिक्रीजेस। जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं यह कम होता रहता है। दैट्स व्हाई इट गिव्स सर्टेन इफेक्ट्स इन द फॉलोइंग वे। इसलिए यह निम्न तरीके से इफेक्ट डालता है। एज वी गो हायर ऑन द माउंटेन्स वी फाइंड दैट अवर ईयर्स पॉप एंड वी नीड टू ब्रीथ इन मोर ओपन दैट टू ब्रीथ एट लोअर एल्टीट्यूड। हमारे कान बंद से होने लगते हैं और हमें ज़्यादा सांस लेने की आवश्यकता पड़ती है जितना कि हम मैदानी क्षेत्रों में सांस लेते हैं। दिस इज बिकॉज द एयर प्रेशर अराउंड अवर ईयर्स डिक्रीजेज। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे कानों के आसपास हवा का दबाव कम हो जाता है, इसी कारण से हमारे अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है, बड़ा हुआ इम्बेलेंस हो जाता है और हमारे कान सुन होने लगते हैं। एस्ट्रोनॉट्स वियर स्पेशल प्रेशराइज सूट्स एज देयर इज नो एयर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन स्पेस। एज वी नो दैट एयर इज ओनली अप टू 30 किलोमीटर अराउंड द अर्थ एंड एस्ट्रोनॉट गो वेरी हाई इन द यूनिवर्स। हमारी पृथ्वी के चारों ओर 20 किलोमीटर तक ही हवा का क्षेत्र है और उससे ऊपर हवा नहीं पाई जाती। जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वे अंतरिक्ष में जाने के लिए विशेष प्रकार का सूट पहनते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में हवा नहीं होगी तो हवा का दबाव भी नहीं होगा, और अगर स्पेशल सूट ना पहने तो उनका ब्लड प्रेशर के कारण उनकी नसें फट जाएंगी और वे तुरंत ही मर सकते हैं। दिस सूट प्रिवेंट देयर ब्लड वेसल फ्रॉम बर्स्टिंग। इससे उनका खून की नसें फटने से बच जाती हैं। माउंटेनियर्स ऑफन एनकाउंटर प्रॉब्लम्स लाइक नोज ब्लीडिंग व्हेन दे रीच हाई एल्टीट्यूड। कभी कभी पर्वतारोही जब ऊंचाई पर, ज़्यादा ऊंचाई पर चले जाते हैं तब हवा का दबाव कम होने से उनकी नोज से ब्लीडिंग होने लगती है, नाक से खून बहने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खून का दबाव ज़्यादा हो जाता है और ऊंचाई पर हवा का दबाव कम हो जाता है। इट गिव्स ए इम्बैलेंस बोथ द प्रेशर। इससे दोनों प्रेशर के बीच में इम्बैलेंस हो जाता है, असंतुलन हो जाता है। फोर्सेस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के फोर्स दबाव। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर इज वेरी ह्यूज। जो हवा का दबाव है वह बहुत अधिक ज्यादा होता है। दिस वॉज डेमोन्स्ट्रेटेड बाई ए जर्मन फिजिसिस्ट इंजीनियर ओटो वॉन यूरिच। जर्मन वैज्ञानिक ने यह बात को खोज निकाला था। ही टुक टू सेमी सर्कुलर कॉपर बॉल्स एंड फिटेड देम टुगेदर टू फॉर्म ए स्फीयर। उसने दो तांबे की कटोरियां ली और उन्हें एक दूसरे से जोड़ दिया, लगा दिया एंड पंप आउट द एयर अराउंड इट एंड ही
कारण दोनों तरफ से उसने घोड़े लगा दिए, लेकिन वे कई कई घोड़े भी इस रस्सी को खींचकर उन्हें कटोरों को अलग न कर सके। इसका मतलब ये हुआ कि हवा का दबाव इतना अधिक होता है कि साधारण कटोरों के बीच में अगर हवा निकाल दी जाए तो वे अलग नहीं हो पाते। सो स्टूडेंट रीड दिस चैप्टर केयरफुली, इसे चैप्टर को ध्यान से पढ़िए, अपना वर्क करते रहिए। टेक केयर ऑफ योर स्टडीज एंड कम टू स्कूल फॉर चेकिंग। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।